अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम। मेरा नाम है वकास सैदर, मेरे साथ आज बैठे हैं मैं हूं प्रिंस अकील। आप देख रहे हैं रिएक्शन फंडा। मैं उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो की रिक्वेस्ट पिछले कुछ दिनों से बार बार की जा रही थी। ये बेसिकली एक वीडियो कंपैरिजन वीडियो है, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है, इसको कहीं भी आपने स्किप नहीं करना, जुड़े रहना वीडियो के साथ आखिर तक। जिस वीडियो पे आज रिएक्शन देने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है पबजी वीएस फौजी फुल कंपैरिजन ऑन बेस्ड इन हिंदी। जिस चैनल से ये वीडियो ली है उस चैनल का नेम है इंडिया टॉप फैक्ट। वीडियो का ओरिजिनल लिंक और चैनल का नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार इसको विजिट करके इसको सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अभी तक जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब के बटन के साथ आपको एक घंटी का बटन मिलता है, उसको प्रेस करके आप हमारे चैनल के फ्री में मेंबर बन जाए ताकि हर हमारी न्यू रिएक्शन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों शायद आप सब जानते ही होंगे कि चाइना और इंडिया में संबंध बिगड़ने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना के प्रोड्यूस किए 100 से ज्यादा एप्लीकेशंस को इंडिया में बैन कर दिया था, जिसके चलते टीन्स का फेवरेट गेम पबजी भी इंडिया में बैन हो गया। अब ये बात सच है कि पबजी का क्रेज इंडिया में बहुत ज्यादा है और ऐसे में इसे फौरन बैन करने से यंगस्टर्स को काफी बुरा लगता, इसीलिए पबजी बैन होते ही 4 सितंबर 2020 को अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंडिया के बनाए गए फौजी की घोषणा की। इस अनाउंसमेंट को सुनकर सब में एक एक्साइटमेंट जग गई, पर क्या फौजी गेम पबजी को टेक ओवर कर पाएगा? तो चलिए इस बात को जानने के लिए हम पबजी और फौजी गेम के बीच एक कंपैरिजन करेंगे, ताकि आप में से ज्यादातर लोगों को हमारे देश के बनाए ऐप और पबजी के बीच के फर्क को समझने में आसानी हो। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। नंबर 1 कंट्री। पबजी एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर बैटल रॉयल गेम है जिसे पबजी कॉर्पोरेशन ने प्रोड्यूस और पब्लिश किया है। इस गेम को डेवलप करने में साउथ कोरियन वीडियो गेम कंपनी ब्लू होल की मदद भी ली गई थी। वहीं फौजी को तो आत्मनिर्भर स्लोगन के चलते इंडिया में ही प्रोड्यूस किया गया। नंबर 2 डेवलपर। पबजी को पबजी कॉर्पोरेशन और साउथ कोरियन गेम कंपनी क्राफ्टन ने मिलकर बनाया है। ब्रैंडन ग्रीन इस गेम के डिजाइनर और डायरेक्टर है और इन्हीं के साथ जैन टीसीओ भी इस गेम के डायरेक्टर है। वहीं फौजी को बेंगलुरु में स्थित स्टूडियो एनकोर गेम्स के द्वारा बनाया जा रहा है। इस गेम के को फाउंडर विशाल गोंदल है। नंबर 3 स्टैंड्स फॉर। पबजी गेम का फुल फॉर्म प्लेयर्स अननोन्स बैटल ग्राउंड है। वही फौजी का मतलब है फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। नंबर 4 गेम साइज। पबजी गेम की साइज 329 MB से शुरू होती है और मोबाइल में 610 MB और 2 GB के बीच इस गेम को डाउनलोड किया जा सकता है और पीसी में इस गेम की साइज 30 GB तक जा सकती है। वहीं अगर बात करें फौजी गेम के साइज की तो फौजी को 500 MB से 2 GB के बीच डाउनलोड किया जा सकेगा। नंबर 5 मोबाइल डाउनलोड्स। पबजी के 734 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है और इसे बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। वहीं फौजी अपने रिलीज से पहले ही 15 मिलियन प्लस डाउनलोड का टारगेट लिए चल रहा है और लोगों की उत्सुकता इसके ट्रेलर्स देख बढ़ती जा रही है। नंबर 6 गेम मोड्स। अगर गेम मोड्स की बात करें तो पबजी में मल्टीप्लेयर और बैटल रॉयल यानी सर्वाइवल मोड्स बेहद मशहूर है। वहीं फौजी एक एक्शन शूटर गेम है जिसमें स्टोरी के अनुसार गेम चलेगा जो प्लेयर को सच में एक जवान की फीलिंग देगा। इस गेम में मल्टीप्लेयर का ऑप्शन भी दिया जाएगा, पर पबजी की तरह ये एक बैटल रॉयल गेम अब तक तो नहीं है। फौजी गेम एक स्टोरी पर चलेगा। एनकोर का ये नया गेम एक स्टोरी बेस्ड एडवेंचर गेम है जो इंडियन फोर्सेस से रिलेटेड है। इस गेम में इंडिया के अलग अलग हिस्सों को दुश्मनों से बचाना है, कुछ ऐसी स्टोरी लाइन इस गेम में दी जाएगी। नंबर 7 मैप्स एंड प्लेसेस। पबजी गेम में एक बड़ा मैप है जिसमें अलग अलग जगहें हैं, पर ये सारी जगह इमेजिनरी यानी काल्पनिक है। वही फौजी का मैप भी काफी बड़ा होगा और इसमें बहुत सी जगहें होंगी, पर जगह काल्पनिक नहीं होगी बल्कि इस मैप में इंडिया की असली जगहों का नाम होगा। इस गेम के ट्रेलर में गलवान वैली का साइन बोर्ड ऑलरेडी दिख गया है, जिसका मतलब ये गेम असली जगहों को नजर में रखते हुए बनाया गया है। नंबर 8 कैरेक्टर्स ग्राफिक्स एंड वेपन्स। पबजी में मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर्स हैं। इस गेम में सिंपल अवतार्स हैं, यानी सिंपल ह्यूमन कैरेक्टर्स जिनका असल दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है, पर फौजी गेम में ऐसा नहीं है। फौजी में मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टर्स होंगे, पर इन कैरेक्टर्स के कपड़ों से ये पता चलता है कि इन कैरेक्टर्स को रियल ह्यूमन कास्ट से इंस्पायर होकर बनाया गया है। इस गेम में राजपूत, जाट, मराठास, गोरखास और सिख जैसे अलग अलग कास्ट के कैरेक्टर्स होंगे, जैसे रियल आर्मी में होते हैं।
वेपन्स की बात करें तो कुछ सोर्सेज के अनुसार फौजी गेम के हथियार भी जो चीजें लॉन्च कर रहे हैं या किए ना अच्छी चीजें हैं MK14 और स्कॉर्पियन जैसी गन्स हैं। वहीं फौजी में असॉल्ट राइफल्स ग्रोजा शॉट गन्स MP40 M79 के अलावा भी और बहुत सी गन्स और वेपन्स होंगे कुछ कुछ पबजी की तरह। और ग्राफिक्स की बात करें तो वर्तमान में पबजी के वेपन्स के बारे में इतना मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने आज तक पबजी वैसे खेली नहीं है। मैं पर डेवलपर्स का कहना है कि पबजी भी शुरुआत में ऐसा ही था और हर नए अपडेट के साथ वो इम्प्रूव होता गया। बिल्कुल उसी तरह फौजी के भी हर अपग्रेड के साथ ये बेहतर होगा और इसकी ग्राफिक्स भी अपडेट अनुसार बेहतर होती रहेगी। इसी के साथ इसकी स्टोरी भी खत्म नहीं होगी क्योंकि हर अपडेट में नया चैप्टर ऐड करने का प्लान है। नंबर 9 रीजन ऑफ क्रिएशन। 2017 से पहले बैटल रॉयल गेम्स इतने मशहूर नहीं थे, इसीलिए इस चीज का फायदा उठाते हुए 2017 में पबजी गेम को डेवलप किया गया और आज ये सच में एक बहुत कामयाब गेम है। वहीं अगर फौजी की बात करें तो इस गेम को बनाने के पीछे मकसद ये है कि अपने देश का भी कोई बेहतरीन गेम हो जिसे बहुत लोग पसंद करें और ये आत्मनिर्भर मूवमेंट का एक नमूना बने। इस गेम से कमाए पैसों का 20% सीधे भारत के वी ट्रस्ट में भेजा जाएगा। नंबर 10 माइंडसेट बिहाइंड द गेम। पबजी को बनाने के पीछे सोच ये थी कि द बैटल रॉयल गेम्स कम मशहूर है तो यंगस्टर्स और टीन्स को एक नया तरीका का गेम देना, उन्हें एंजॉय करवाना और पैसे जनरेट करना ही पबजी को बनाने की सोच थी। पर फौजी को बनाने के पीछे एक अलग सोच है और वो सोच कुछ ऐसी है, गेम के माध्यम से जवानों की मदद करना, गेम के एंजॉयमेंट के साथ प्लेयर को सोल्जर की जिंदगी और उनकी तकलीफें और उनका योगदान समझाना और अपने देश के लिए प्यार बढ़ाना ही इस गेम का उद्देश्य है। तो ये था एक कंपैरिजन ये दोनों गेम्स का। आपको कौन सा गेम सबसे ज्यादा अच्छा लगा, पबजी या फिर फौजी? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। जी तो गाइस ये थी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी। मैं हमारे लिए तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी। इसमें जो चीजें दिखाई गई हैं पबजी और फौजी दो उस पबजी के मुकाबले में एक सेम उसी तरह की गेम लॉन्च की जा रही है। ये जब इंडिया और चाइना का इशू चल रहा था ना उस वक्त इंडिया ने चाइना की कुछ ऐप्स बंद की थी। हालांकि ये पबजी जो है ये चाइना की ऐप नहीं थी, चाइना के इसमें कुछ परसेंट शेयर थे लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने इसको बैन कर दिया। जब बैन किया तो जो लोग पबजी खेलते थे इंडियन जो थे उन्होंने इस पे बहुत ज्यादा एहतजाज किया, ट्विटर पे भी ट्रेंड चले। इस चीज को देखते हुए जो गेम्स बनाते थे उन्होंने इस चीज पे सोच विचार शुरू कर दी, यार क्यों ना हम एक ऐसी गेम अपने कंट्री की लॉन्च करें जो आगे चलकर हमारे कंट्री की पहचान बने, खेली जाए। बिल्कुल। और सबसे पहले इस चीज की जो खुशखबरी कह लें, अक्षय कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर की थी कि हम एक गेम लॉन्च करने जा रहे हैं पबजी के मुकाबले में जिसका नाम होगा फौजी। इस वीडियो में जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी चीज लगी है कि इस गेम से जो पैसा जनरेट होगा, जो पैसा आएगा वो सारा इंडिया में आएगा, इंडिया से बाहर नहीं जाएगा। और जितना पैसा इकट्ठा होगा उसका 20% ये डोनेट कर देंगे। उसके अलावा दूसरी चीज, जो लोग ये गेम खेलते जाएंगे उनकी अपने कंट्री के लिए, अपने कंट्री की आर्मी के लिए दिल में मोहब्बत बढ़ती जाएगी। और ये गेम डेवलपर का बहुत अच्छा फैसला था, इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छी चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको जो अच्छी चीज लगती है उसका आप साथ देना चाहिए। मेरे तो ये कमेंट से मेरे साथ अकील भाई है, ये भी यूट्यूबर है, ये कुछ कहना चाहते हैं आपसे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, मैं व्लॉगिंग करता हूँ। मेरे चैनल का नाम प्रिंस साकब वकील आरजे है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चैनल का विजिट करें। अगर आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज, वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वकास भाई चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा कि इंडिया में इनका नाम हो और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखी जाए। और हम आपकी गेम की तारीफ करते हैं कि ये पबजी से भी इंशाल्लाह ज्यादा बेटर डाउनलोडिंग की जाएगी इसकी। बिल्कुल जी, ये 734 मिलियन है, ये 1000 मिलियन तकरीबन कंप्लीट करेगी अपने। जी तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो और कैसा लगा आप लोगों को हमारा रिएक्शन, ये आपने कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर करना है। बढ़ते एंड की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं बोलूंगा अभी तक भी जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब के बटन के साथ आपको घंटी का बटन मिलता है, उसको प्रेस करके आप हमारे चैनल के फ्री में मेंबर बन जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।